गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अवर मैथ्स क्लास। इन दिस क्लास वी विल डू चैप्टर नंबर 12 ऑफ डिस्कवरिंग मैथ्स बुक। सो लेट अस स्टार्ट। आवर 12th चैप्टर इज टाइम। अब देखते हैं टाइम। टाइम का यूनिट ऑफ टाइम क्या है। वन डे इक्वल टू 24 आवर, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। सो कम टू अवर प्रैक्टिस जोन वन। अब प्रैक्टिस जोन वन के अंदर कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग डेज इनटू आर। आर में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट कि वन डे इक्वल टू 24 आर, सो देन 9 × 24, सो देन 216 आर। बी पार्ट के अंदर दे रखा है 5 डेज 3 आवर। 5 डेज को कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 24, तो 120, तो 120 + 3, तो 123 आर। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग आवर्स इनटू डेज। अब डेज में कन्वर्ट करना है तो 100 आर / 24, जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 4 डेज 4 आवर्स। नाउ कम टू नेक्स्ट बी पार्ट, 180 आर। सो 180 आर को अपने डेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो 180 / 24, सो 7 डेज 12 आवर्स। ऐसे ही अपने इसके रिमेनिंग क्वेश्चन भी सारे नोटबुक के अंदर सॉल्व करने हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन टू। प्रैक्टिस जोन टू के अंदर कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग आवर्स इन टू मिनट। मिनट में कन्वर्ट करना है। सो वी नो दैट कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 29 आवर × 60, सो 1740 मिनट। बी पार्ट के अंदर 15 आवर 20 मिनट। मिनट 20 दे रखा है अपने को, बट 15 आवर को अपने कन्वर्ट करेंगे तो 15 × 60, तो 900 + 20 = 920 मिनट। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिनट इनटू आर। अब आर में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड करेंगे 60 से, तो 252 / 60, तो 4 आवर 12 मिनट। कम टू बी पार्ट, 6:30 मिनट, तो 6:30 / 60, सो 10 आवर 30 मिनट। कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन थ्री। प्रैक्टिस जोन थ्री के अंदर अपने को कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग मिनट्स इनटू सेकंड। अब कन्वर्ट करना है इसको सेकंड में, मिनट को सेकंड में, सो 38 मिनट। 38 × 60, बिकॉज 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2280 सेकेंड। ऐसे बी पार्ट, 69 मिनट 15 सेकेंड, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 69 × 60, तो 4140 + 15, 4155 सेकेंड। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेकेंड्स इनटू मिनट। सेकेंड दे रखा है उसको मिनट में कन्वर्ट करना, 25621 / 60, तो कितना आएगा 427 मिनट एंड 1 सेकेंड। इन बी पार्ट, 18920, सो 18920 / 60, तो 315 मिनट 20 सेकेंड। ऐसे ही इसके रिमेनिंग जो भी पार्ट्स रह गए हैं ये आप करेंगे नोटबुक के अंदर। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन फोर। प्रैक्टिस जोन फोर के अंदर अपने को कह रहे हैं ऐड द फॉलोइंग। सो इसमें देखना है आर के नीचे आर वाली वैल्यू, मिनट के नीचे मिनट, एंड सेकंड के नीचे सेकंड। इसमें मैंने दोनों में एक एक पार्ट करवाया है, बाकी आप रिमेनिंग खुद करेंगे। जैसे ए पार्ट अपने को दे रखा है 24 आवर 60 मिनट 31 सेकेंड एंड 12 आवर 54 सेकेंड। अब 12 आवर के साथ अपने को मिनट नहीं दे रखा, 54 सेकेंड दे रखा है, तो मिनट वाली स्पेस खाली छोड़ेंगे, 00 लिखेंगे और बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे। जब इन दोनों का सम अप करेंगे तो आएगा 36 आवर 60 मिनट 85 सेकेंड। सो ये कितना बनेगा, 37 आवर 1 मिनट और 25 सेकेंड। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में है सब्ट्रैक्ट द
फॉलोइंग माइनस करना है। माइनस वी नो वेरी वेल कि हमेशा माइनस बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को किया जाता है। तो ए पार्ट के अंदर अपने को कह रहे हैं 3 hours 54 minutes 22 seconds फ्रॉम 9 hours 19 seconds, तो इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है 9 hours 19 seconds, उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे। इसमें मैंने बी पार्ट किया है, यू विल ट्राई द रिमेनिंग क्वेश्चंस। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रैक्टिस जोन फाइव के अंदर कह रहे हैं नमन कॉल्ड हिज मदर एट 5:05 PM एंड स्पोक टू हर 20 minutes, एट व्हाट टाइम डिड ही एंड हिज कॉल। सो नमन कॉल्ड कितना 5:05 PM शाम को 5:05 पे, ही स्पोक फॉर 20 minutes, सो देन दोनों को ऐड अप करेंगे तो कितना आएगा 5:25 PM। कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फ्लाइट डिपार्टेड एट 2:20 PM एंड रीच्ड एट 3:20 PM, फाइंड द एलैप्स्ड टाइम ड्यूरिंग द फ्लाइट जर्नी। डिपार्टेड कब हो रहा है 2:20 पे, फ्लाइट रीच कब हो रही है 3:20 पे, तो क्लियरली अपने को दिख रहा है कि 1 hour आएगा अपने को। सो 3:20 से 2:20 माइनस करेंगे तो 1 hour इज द आंसर। नाउ कम टू थर्ड, अर्नब रीच्ड हिज फ्रेंड्स होम एट 4:30 PM एंड स्पेंड 3 hours 15 minutes देयर, एट व्हाट टाइम डिड ही लीव हिज फ्रेंड्स होम। सो देन अर्नब रीच्ड हिज फ्रेंड होम 4:30, अर्नब स्पेंड उसने वहाँ कितना किया 3 hours 15 minutes, तो 4:30 अब कह रहे हैं इसके अंदर, एट व्हाट टाइम डिड ही लीव हिज फ्रेंड्स होम, अब उसने अपने फ्रेंड के होम से वापस कब गया, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 7:45 PM। क्वेश्चन नंबर 4, अ बस लीव्स दिल्ली फॉर जयपुर एट 5:25 AM एंड रीच देयर एट 1:45 PM, फाइंड द एलैप्स टाइम ऑफ द जर्नी। तो टोटल जर्नी का पीरियड बताना है, ड्यूरेशन बताना है। बस सुबह कितने बजे चल रही है 5:25 AM पे, और बस रीच कितने बजे हो रही है 1:45 PM पे, तो 1:45 को अपने कन्वर्ट करके क्या कह सकते हैं 13:45। सो जब दोनों को माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 8 hours 20 minutes। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।